अगर आपके घर में कोई बच्चा मोबाइल गेम खेलता है तो ये खबर अलर्ट करने वाली है। उज्जैन में मोबाइल गेम की लत ने बीए के एक स्टूडेंट को किडनैपर बना दिया, जबकि इससे पहले तक वह आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा था। दरअसल युवक ऑनलाइन गेम में 50,000 रुपये हार गया था। पैसे वापस पाने के लिए खुद की किडनैपिंग की साजिश रच डाली। उसने परिवार वालों को फोन कर फिरौती मांगी। इसके लिए उसने YouTube से फेक कॉलिंग करना भी सीखा। पुलिस ने जांच की तो पूरा मामला खुल गया। पुलिस ने शनिवार को छात्र को गिरफ्तार कर लिया। उज्जैन से करीब 35 किलोमीटर दूर नांदेड़ है। यहां का रहने वाला नितेश माधव कॉलेज में बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। वह उज्जैन में ही रहकर आर्मी में जाने की तैयारी भी कर रहा था। 13 अक्टूबर को अचानक नितेश लापता हो गया। इधर परिवार वालों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी। शुक्रवार यानी 14 अक्टूबर को छोटे भाई विकास के मोबाइल पर इंटरनेशनल नंबर से मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, नितेश का अपहरण कर लिया गया है, उसके अकाउंट में 50,000 रुपये डाल दो, नहीं तो नितेश को मार डालेंगे। विकास ने मैसेज परिवार के लोगों को बताया। घबरा कर खाते में रुपए डाल दिए गए। इसके बावजूद नितेश नहीं आया तो पुलिस एक्शन में आ गई। जांच में पता चला कि नितेश के खाते से रुपए गेमिंग पोर्टल में ट्रांसफर हुए हैं। पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। जानकारी निकाली तो पता चला कि नितेश को गेमिंग का शौक है। हाल ही में वह गेम में 50,000 रुपये हार गया था। इस बीच शुक्रवार को परिवार वालों के पास कॉल आया कि नितेश रात में नागदा के पास रेलवे स्टेशन पर मिल जाएगा। पुलिस जब खोजते हुए पहुंची तो वह अर्धनग्न हालत में बंधा हुआ मिला। शक के आधार पर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने पूरी कहानी उगल दी। नितेश होनहार छात्र रहा। 10वीं में उसे 67% और 12वीं में बायो विषय में 68% मार्क्स मिले थे। इसके बाद देश सेवा का जुनून लेकर गाँव से उज्जैन में सेना भर्ती की तैयारी के लिए आ गया। यहाँ वह कंचनपुरा में रहने लगा। इस दौरान उसे मोबाइल पर लुलु मॉल्स वीआईपी नाम का गेम खेलने की लत लग गई। नितेश ने पूछताछ में बताया कि कोई भी टेलीग्राम पर जाकर इस गेम को खेल सकता है। मात्र 10 रुपये से शुरुआत कर जितने भी रुपए लगा सकता है। इसके लिए बकायदा अकाउंट बनाना होता है, उसमें सारी जानकारी भरने के बाद खेल शुरू किया जा सकता है। 10,000 रुपये हार गया ना, उसके बाद फिर में ट्रेन में बैठ के चला गया। इसका ऐसा कहना है कि अभी तक 70 से 90 हज़ार रुपये के आसपास ये हार गया है। जब ये पैसा हारता था, क्योंकि पूर्व में पैसा जीता भी करता था, तो इसको ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है, मैं अभी हार गया तो नेक्स्ट टाइम जीत जाऊंगा, अगली बार जीत जाऊंगा, बट ऐसा हुआ नहीं।